मेरा नाती शाम को 9 बजे लगभग हमको बंगले पर ले गया है, खाना दिया है जैसे हमेशा लेके जाता रहा, खाना दिया है, खाना दे करके आया है। मैंने उससे पूछा खाना तोहरे लोग खाइला बाबू, नहीं कल नहीं, खाना आप लोग खाइए, उसके बाद हम लोग जा करके खाना खाने जा रहे हैं। हमको सवेरे 5 बजे, जब 5 या 5:30 बजे की बात है, लोग जब टट्टी फराकत मैदान गए पोखरे पर या भैंस नहलाने वहलाने गए सब लोग, तो फिर वो देखे कि कोई मरा पड़ा हुआ है या पड़ा हुआ है, तो गए उसको देखे तो वो पता चला कि ये ब्रजेश है। तब हमको फ़ोन किए और हमको बताए कि आपका नाती जो है यहाँ मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। तब मैं दौड़ करके आया और देखा ब्रजेश कुमार ही। जैसे लाश देख के आप क्या अंदाज़ा लगा रहे हैं? हम लाश देख करके श्रीमान जी अंदाजा लगा रहे हैं, 100% पूर्ण विश्वास है कि वो लाश मारा गया है। कहीं आपके नाती के शरीर में कहीं चोट निशान है क्या है कुछ ऐसा? अब ये हम कैसे कह सकते हैं, ये तो पीएम रिपोर्ट ही बता सकते हैं। आपने लाश देखा नहीं क्या? लाश देखा हूँ सर, ये यहाँ पर लगा है इस पट्टे के साइड। हाँ, इस साइड पर चोट लगा है और काला हुआ हुआ है, और इस साइड पर मुंह से ब्लड निकला हुआ, खून मतलब 1 फीट के दूरी तक जा करके खून गिरा है। क्या याद सनाफ संजय जो मूल रूप से बसंतपुर वासी के रहने वाले हैं, लेकिन वो सोनोरा गांव जो पीएस जोगिया में है, वो अपने ननिहाल में बचपन से ही मतलब रह रहा है, क्योंकि तो उसके पिता के जो है लड़की ही संतान है। वो रात में 9 बजे अपने नाना को खाना दे के गया था, उसके बाद जानकारी नहीं मिली कि कहाँ है। सवेरे इनको जानकारी करीब 5-6 बजे के आस सूचना मिली है कि उसकी लाश एक सुनौरा वहीं प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालय है वहाँ पाई गई है, तो पुलिस फोर्स जाके उसको पंचायत और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जैसे ही उसमें जो चीज़ें आती हैं उस हिसाब से आवधिक कार्रवाई अभी हो जाए। सर, प्रथम दृष्टा क्या लग रहा है आपको? अभी फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए, उसी के बाद कुछ बता पाएंगे। आवधिक कार्रवाई उसमें तत्परतापूर्वक की जाएगी।